मैम आपको खाना पकाने का शौक है या आपने एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखा, ये कैसे शुरू किया मैम? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं खुद नहीं पकाती हूँ और मेरे घर में शुरू से सिस्टम है कि भाई एक ब्राह्मण महाराज कुक जो है वो खाना बनाते हैं और वो जब नहीं रहते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, तब जो है खाना बनाना पड़ता था। उसी वक्त उसी में ही थोड़ा बहुत सीखा है। कुल ये मैंने अपनी सास से सीखा है, वो भी कभी खाना नहीं ऐसे किचन में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो कभी गई नहीं वो, और लेकिन उनको इतना ज़्यादा हर चीज़ का था कि अगर आटा बदल गया है तो खुशबू से ही समझ जाती थी कि ये आटा गलत है, और पता वता करती थी, जब इन डेप जाती थी तो पता चल जाता था कि हाँ ये आटा गलत आया है, या घी की खुशबू से समझ जाती थी कि कौन सा घी है। तो ये मैंने कभी देखा नहीं था शादी से पहले ऐसे होता हुआ, तो मेरे को बड़ा फैसिनेशन हुआ, तो मैं भी थोड़ा उनसे सीखी कि खाना एकदम बढ़िया शुद्ध खाना कैसे उसको परखते हैं, वो मैंने उनसे सीखा। मोर सो बच्चों के लिए जब मैं खाना बनाती थी, छोटे थे तो उनको मेरे ही हाथ का खाना अच्छा लगता था, तो तब ज़्यादा मैंने किचन जाना, किचन में रसोई घर में ज़्यादा मैं जाती थी उस वक्त। तो बच्चों को तो थोड़ा फैंसी खाना चाहिए ही रहता है, क्योंकि हम लोग का जो मारवाड़ी ख़ानदान है और मारवाड़ी रसोई टिपिकल होती है। दूसरा, मेरे ससुर जी को मेरे हाथ का मैं जो भी बना देती थी वो बहुत शौक से खाते थे, खासकर उनको मेरे हाथ की कुल्फ़ी बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने फिर सीखा कुल्फ़ी बनाना, कैसे दूध कढ़ाते हैं, फिर उसमें उनको सब मेवा और केसर वगैरह डाल के बहुत उनको अच्छा लगता था, तो वो मैंने उनके लिए सीखा और अच्छा बनता था मेरे हाथ का। सन 75 में मेरी शादी हुई, मैं कलकत्ता की हूँ। लखनऊ का इतना खाने का इतना एक्सपोजर नहीं था, टिपिकल जो लखनऊ का फूड है जी मैम, उसका इतना एक्सपोजर नहीं था, वो बहुत देर बाद हुआ है, क्योंकि हम लोग आई थिंक एज अ फैमिली हम लोग अपने ही खाने पे बहुत ज़्यादा फोकस था, और जैसे हर खानदान का होता है ना बाहर खाने का नहीं खाना, आजकल बहुत रिवाज हो गया, पहले कहाँ था जी जी, बल्कि बुरा माना जाता था कि बुरा माना जाता है। आपको खाना पकाने से क्या खाना खिलाने में ज्यादा मजा आता है? आई थिंक दोनों में ही मजा है, बट चूंकि मैं कम बनाती हूँ और महाराज ज्यादा बनाते हैं, तो खिलाने में तो जरूर मजा बहुत आता है, और ये एक मेरे फैमिली में ट्रेडिशन भी रही है खिलाने का। मेरी सास को बहुत शौक, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक, सबको खिलाने, खुद कम खाते हैं और खिलाने का बहुत शौक। और मैं फिर अब लिख भी लेती हूँ कि भाई कौन सी रसोई कब अच्छी लगी, तारीफ हुई,